हेलो फ्रेंड्स, आज हम एसएस का चैप्टर 4 देखेंगे, हाउ ट्रेडर्स बिकेम रूलर्स। सो फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा कि कैसे काफ़ी यूरोपियन कंट्रीज इंडिया आए थे ट्रेड करने के लिए, जैसे पोर्चुगीज़, डच, फ्रेंच और ब्रिटिश। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स इंडिया के रूलर्स बन गए, वो हम ये चैप्टर में देखेंगे। तो चैप्टर 4 है हाउ ट्रेडर्स बिकेम रूलर्स। अब ब्रिटिशर्स ने कभी किसी को इंडिया में ज़्यादा टिकने नहीं दिया। जो भी यूरोपियन कंट्रीज उनके साथ इंडिया ट्रेड करने आए थे, बिकॉज वो इंडिया पे राज करना चाहते थे, बट दे केम एज ट्रेडर्स दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ की तरह। बट जब उन्होंने देखा कि इंडिया एक बहुत ही प्रॉस्परस कंट्री है और हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, तो धीरे धीरे उन लोगों ने प्लान करके वन बाय वन सब यूरोपियन कंट्रीज़ को इंडिया से या तो जाने पे मजबूर किया, या वो यूरोपियन कंट्रीज़ के पास बहुत कम कॉलोनीज रहने दी और ज़्यादातर इंडिया उन्होंने अपने अंडर ले लिया। तो फर्स्ट वी सी अ फर्स्ट गवर्नर जनरल जो थे, दैट वाज वेलेस्ली, हु ब्रॉट द पॉलिसी ऑफ एक्सपांशन। जब वेलेस्ली इंडिया आए तो काफ़ी कंपटीशन था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। अब ब्रिटिशर्स फ्रांस को कंट्रोल में रखना चाहते थे ताकि वो इंडिया में पावरफुल बन के अपना रूल एक्सपांड कर सके। वेलेस्ली ने एक नया प्लान इंट्रोड्यूस किया, विच वॉज नोन एज अ सब्सिडरी अलायंस। अब ये सब्सिडरी अलायंस क्या था? इट वॉज कि कोई भी राजा जो था, जो ये अलायंस एक्सेप्ट करता है, उसको अपने दरबार में, अपने राज्य में ब्रिटिश आर्मी रखनी थी और उसके साथ साथ उनको एक ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव भी रखना था। तो इस तरह क्या था कि ब्रिटिशर्स को अपनी आर्मी मेंटेन करने के लिए खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा और उनकी आर्मी मेंटेन भी हो जाएगी। लेकिन जो राजा इस आर्मी को मेंटेन करता था, वो ज़रूरत पड़ने पर इस आर्मी को यूज़ नहीं कर सकता था। मतलब खर्चा वो करेगा आर्मी को मेंटेन करने के लिए, बट ही वॉज नॉट अलाउड टू यूटिलाइज द आर्मी एट हिज ओन फ्री विल। तो ये सिस्टम स्टार्टिंग में तो काफ़ी इंडियन राजाओं को अच्छी लगी, दे वर फीलिंग सिक्योर, लेकिन धीरे धीरे उनको रियलाइज हुआ कि उन्हें कोई भी फ्रीडम नहीं मिल रहा है इसमें। दे फेल्ट एनस्लेव्ड एंड थ्रेटन्ड। उनको लगा कि हम तो अंग्रेज़ों के गुलाम बन के रह गए। अब सब्सिडरी अलायंस में काफ़ी सारे इंडियन स्टेट्स जो थे वो वेलेस्ली ने लिए, जैसे हैदराबाद, मैसूर, अयोध्या, जोधपुर, वडोदरा, पुणे एंड ग्वालियर। अब ये सिस्टम को एक्सेप्ट करने वाले जो थे, सबसे फर्स्ट राजा जो थे, दैट वाज निज़ाम ऑफ हैदराबाद। अब उन्होंने क्यों एक्सेप्ट किया था ये? बिकॉज उनकी मराठास के साथ जो लड़ाई हुई थी, उसमें निज़ाम को काफ़ी लॉसेस हुए थे, दैट इज़ व्हाई ही एक्सेप्टेड दिस अलायंस। अब उनके बाद मैसूर, अयोध्या, तंजौर, कर्नाटका, सबको वेलेस्ली ने अंडर दिस सब्सिडरी अलायंस ले लिया। अब ब्रिटिशर्स की पॉलिसी जो थी वो पहले से ही डिवाइड एंड रूल की थी, तो उन्होंने मराठास को अंदर अंदर लड़वाया और धीरे धीरे वन बाय वन सबको यह सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट करना पड़ा। बट अगर हम थोड़ा नीचे जाए साउथ में, तो वी नो दैट मैसूर के जो राजा थे टीपू सुल्तान, वो टाइम पे वो अंग्रेज़ों के खिलाफ थे, उन्होंने ये सब्सिडरी अलायंस सिस्टम एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। बट उसकी वजह से क्या हुआ कि मैसूर और ब्रिटिशर्स के बीच में 4 वॉर्स हुई, जिसमें फाइनली मैसूर
हार गया, और आफ्टर द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर मैसूर को फोर्स किया गया ये सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट करने के लिए। और जो मराठा और उसके बाद हम देखें तो जो मराठा चीफ्स थे वो काफ़ी अंदर अंदर लड़ रहे थे आफ्टर डेथ ऑफ नाना फडणवीस। अब वन बाय वन जैसे मैंने आपको बोला कि सब मराठा स्टेट्स जो थे दे बिकेम द विक्टिम ऑफ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश। अब दूसरे स्टेट्स जैसे अयोध्या गोरखपुर तांजोर कर्नाटका फारुखाबाद सब को धीरे धीरे करके ये सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट करना पड़ा। सो विद इन अ पीरियड ऑफ 7 ईयर्स वेलेस्ली ने ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल इंडिया में काफ़ी अच्छे से एस्टेब्लिश कर दिया एंड ही मेड ब्रिटिश द सुप्रीम पावर इन इंडिया। अब निज़ाम ऑफ हैदराबाद मैसूर और काफ़ी मराठा चीफ्स को सब्सिडरी अलायंस सिस्टम एक्सेप्ट करवाने के बाद ब्रिटिशर्स मूव देयर अटेंशन टू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। अब उन्होंने नेपाल के साथ दोस्ती कर ली बिकॉज दे वर सेंसिंग अ थ्रेट, उनको लगा कि नेपाल से हमें खतरा हो सकता है तो उनसे दोस्ती कर लेनी चाहिए। और उसके बाद भी काफ़ी ब्रिटिशर्स की काफ़ी राजाओं के साथ लड़ाइयाँ होती रही। उस टाइम पे पंजाब के जो राजा थे महाराजा रंजीत सिंह वो बहुत ही स्ट्रांग राजा थे, तो पंजाब के जो राजा थे महाराजा रंजीत सिंह लाइक आई टोल्ड यू वो बहुत ही स्ट्रांग थे। सो ब्रिटिशर्स ने उनके साथ फ्रेंडली रिलेशंस मेंटेन किए एंड महाराजा रंजीत सिंह हेल्प देम टू विन बैटल विद अफगान्स एंड एस्टेब्लिश द रूल इन सिंध। लेकिन ब्रिटिशर्स का एम्बिशन तो कुछ और ही था, दे वॉन्टेड टू कैप्चर द सिख किंगडम ऑफ महाराजा रंजीत सिंह जो बहुत ही पावरफुल था, बट दे न्यू कि जब तक महाराजा रंजीत सिंह जिंदा है वो नहीं कर सकते। सो दे मेंटेन फ्रेंडली रिलेशंस विद महाराजा रंजीत सिंह। अब रंजीत सिंह लाइक आई टोल्ड यू स्ट्रांग रूलर थे, सो इट इज़ ऑब्वियस कि जो राजा बहुत ही स्ट्रांग होता है उनकी आर्मी भी काफ़ी स्ट्रांग होगी एंड सेम वे महाराजा रंजीत सिंह हैड सेट अप अ वेरी स्ट्रांग आर्मी विथ हेल्प ऑफ यूरोपियन ऑफिसर्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ हिज स्टेट। और यही आर्मी के हेल्प से उन्होंने काफ़ी सारी लड़ाइयाँ भी जीती, ही अटेंड मैनी विक्ट्रीज ओवर नियर बाई स्टेट्स। बट आफ्टर द डेथ ऑफ महाराजा रंजीत सिंह पंजाब में काफ़ी प्रॉब्लम्स हुए बिकॉज देर वॉज नो स्ट्रांग रूलर, तो इसका फ़ायदा उठा के गवर्नर जनरल सर हेनरी हार्डिंग केम टू इंडिया एंड ही ब्रॉट द सिख रूल कम्प्लीटली अंडर द ब्रिटिश रूल विथ पॉलिसी ऑफ इंटरफियरेंस एंड एनेक्सेशन। तो महाराजा रंजीत सिंह के डेथ के बाद ब्रिटिशर्स ने पंजाब भी अपने अंदर ले लिया। नाउ वी सी डेलहाउसीज पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन। सो लाइक वी नो बिफोर डेलहाउसी वेलेस्ली वॉज अ गवर्नर जनरल। अब उनकी पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन जो थी द मेन एम वॉज टू एनस्लेव द नेटिव किंगडम्स विदाउट यूजिंग मच ऑफ द ब्रिटिश रिसोर्सेज, यानी ब्रिटिशर्स के रिसोर्सेज अपने रिसोर्सेज बहुत कम यूज करके या बिल्कुल यूज ना करके राजाओं को अपने अंडर उन्होंने कर लिया। एंड लाइक वी सॉ कि जिन स्टेट्स ने सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट किया था ब्रिटिशर्स उनको अपने फ्रेंड्स मानते थे एंड स्लोली स्लोली जो था अब वो राजा भी जो थे दे स्टार्टेड थिंकिंग कि भाई अब ब्रिटिशर्स तो है ही, वो हमें आर्मी भी दे रहे हैं सब तरह से सपोर्ट भी कर रहे, सो दे बिकेम इररिस्पॉन्सिबल और उनका एंड देयर एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्टेड डिटीरियोरेटिंग। उनका एडमिनिस्ट्रेशन जो कामकाज भी था उसकी तरफ राजाओं का बिल्कुल कोई ध्यान ही नहीं था और धीरे धीरे वो सब काम दूसरों पे छोड़ने लगे, सो क्वालिटी ऑफ वर्क वेंट डाउन। नाउ आउटकम ऑफ द कॉन्स्पिरेसी ऑफ ब्रिटिश वॉज एनार्की इन मैनी प्रिंसिपल स्टेट्स। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि लाइक आई सेड कि काफ़ी राजा जो थे वो इररिस्पॉन्सिबल हो गए, द
दे वर नॉट पेइंग अटेंशन टूवर्ड्स देयर वर्क, विच इसकी वजह से ब्रिटिशर्स के लिए काफ़ी ईजी हो गया ये स्टेट्स को अपने अंडर करना. द ब्रिटिश गॉट एन एक्सक्यूज टू स्टार्ट इंटरफियरिंग इन टू इंटरनल अफेयर्स ऑफ दी स्टेट्स ऑन द प्रिटेक्स ऑफ पुटिंग एन एंड टू द एनार्की. सो ब्रिटिशर्स को ये मौका मिल गया राजाओं के इंटरनल अफेयर्स में दखल देने का, एंड दे सेड कि भाई आप तो कुछ काम करते नहीं हो, कुछ ध्यान देते नहीं हो, तो ऐसा करो आप अपना किंगडम हमें सौंप दो. तो ब्रिटिशर्स ने काफ़ी सारे स्टेट्स को इस बहाने ले लिया कि राजा कुछ काम नहीं करते थे और इंटरनल अफेयर्स ब्रिटिशर्स ही मैनेज करने लगे उनके, और ऐसे करके काफ़ी स्टेट्स लिए. देयर आफ्टर बर्मा विच इज़ नाउ म्यांमार एंड रीजन्स ऑफ पंजाब वर ऑल्सो एनेक्स्ड. तो बर्मा पंजाब के काफ़ी रीजन्स उन लोगों ने अपने अंडर ले लिए. एंड इफ द किंग डाइड विदाउट अ सन, राजा का कोई बेटा नहीं था और वो गुजर गया, तो जो स्टेट्स थे वो भी एनेक्स कर लिए गए. एंड इन दिस वे मैनी स्टेट्स ऑफ इंडिया वर एनेक्स्ड बिकॉज द किंग्स डिन हैव अ हेयर अ सन जो उनके बाद राजा बन सकता था. तो ऐसे स्टेट्स थे इन इंडिया, नेमली सतारा, झांसी, नागपुर एंड देवर मैनी अदर विच बिकेम विक्टम्स, जो शिकार बने पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन. अब उसके बाद डेलहाउसी ऑल्सो सॉ के उनके जो ट्रेडर्स थे, ब्रिटिश बिजनेसमैन ट्रेडर्स जो थे, वो इंडिया में रह के बिजनेस करके भी अच्छे प्रॉफिट कमाए. तो उसके लिए डेलहाउसी ने काफ़ी ऐसे एरियाज लिए, कैप्चर किए विच आर प्रोड्यूसिंग टी, कॉफ़ी एंड कॉटन ऑन अ लार्ज स्केल. उसके साथ साथ इंडिया में ब्रिटिश रूल को प्रॉपरली जमाने के लिए और एंड टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथली डेलहाउसी इंट्रोड्यूस्ड मेनी चेंजेस. और जैसे हम देखें तो फर्स्ट रेलवे लाइन वॉज स्टार्टेड इन इंडिया बिटवीन मुंबई एंड थाने इन 1853, दैट वॉज ड्यूरिंग डेलहाउसीज टाइम. उसके बाद जो द मॉडर्न पोस्टल सिस्टम इन इंडिया एंड वायरलेस सिस्टम बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड टू वॉज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग हिज टेन्योर, मीन्स पोस्टल सिस्टम और वायरलेस सिस्टम बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड जो था, दैट वॉज ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग डेलहाउसीज टाइम. डेलहाउसी ऑल्सो पास्ड लॉज टू बैन चाइल्ड मैरिज एंड एडवोकेटेड विडो री मैरिज. नाउ दिस वॉज अ गुड थिंग कि उन्होंने चाइल्ड मैरिज बैन करने के लॉज बनाए और विडो री मैरिज को प्रमोट किया, बिकॉज वो टाइम पे इंडिया में चाइल्ड मैरिजेस यानी बाल विवाह काफ़ी होते थे, तो उसको बंद कराने के लिए उन्होंने लॉज पास किए. साथ ही विडोज़ जो थी, मीन्स जो लड़कियां विधवा हो जाती थी, उनके साथ भी बहुत खराब व्यवहार होता था समाज में. सो ही सेड के नहीं भाई, जो विडोज है, जो लड़कियां विधवा हो जाती है, वो दोबारा शादी कर सकते हैं, दे कैन री मैरी. एट द सेम टाइम इंग्लिश एजुकेशन ऑल्सो स्प्रेड इन इंडिया ड्यूरिंग दिस टाइम. तो यही टाइम पे इंग्लिश एजुकेशन भी स्टार्ट हुआ इंडिया में, एंड फर्स्ट थ्री यूनिवर्सिटीज जो इंडिया में स्टार्ट हुई, दैट वर इन मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता इन 1857. तो अगर हम देखें तो ये सारे रिफॉर्म्स जो थे बेसिकली ड्यूरिंग डेलहाउसीज टाइम, वो ब्रिटिशर्स को अपना रूल और एडमिनिस्ट्रेशन इजीली करने के लिए बनाए गए थे. लेकिन वो टाइम पे जो दिस वाज द मेन आइडिया, लेकिन आगे जाके इंडियंस को भी इसका बेनिफिट हुआ. बट वो टाइम पे इंडियंस को काफ़ी सफर हुआ करना पड़ा बिकॉज ऑफ दीज रिफॉर्म्स introduced by British. And the last topic we see is dissatisfaction of people. तो subsidiary alliance के बाद अगर हम देखें तो डेलहाउसी की जो policy of annexation थी, उससे India को काफ़ी सफ़र करना पड़ा. People were dissatisfied towards British. अब जैसे हम देखें कि आज़ादी की लड़ाई पर कुछ हिंदी मूवीज़ भी बनी है, लाइक क्रांति एंड मंगल पांडे, राइट. वी हैव मैनी फ्रीडम फाइटर्स ऑल्सो
जिनके मूवीज बने लाइक लेजेंड ऑफ भगत सिंह ऑल्सो, तो आप ये मूवीज देख सकते हैं टू अंडरस्टैंड बेटर कि हाउ इंडियंस फॉट अगेंस्ट ब्रिटिश. बट कमिंग बैक टू द चैप्टर, इफ वी सी वो टाइम पे द पीपल वॉज सप्रेस्ड अंडर द डिक्टेटोरियल रेजिम ऑफ ब्रिटिश. ब्रिटिशर्स बस अपनी मनमानी चलाते थे. इसके साथ साथ डेलहाउसी ने जो रिफॉर्म्स किए उसने आग में घी डालने का काम किया. नाउ डिफरेंट पीपल रिएक्टेड डिफरेंटली टू दिस रिफॉर्म्स, जैसे रेलवेज, पोस्ट एंड टेलीग्राफ एंड वेस्टर्न एजुकेशन. अब जो ऑर्थोडॉक्स लोग थे, कंजर्वेटिव थे, दे फेल्ट कि ब्रिटिश वांटेड टू डिस्ट्रॉय द कल्चर. उनको लगा कि अगर ब्रिटिशर्स ने जो ये रिफॉर्म्स किए हैं उसके वजह से तो हमारा पूरा कल्चर ख़त्म हो जाएगा, इंडियन कल्चर बचेगा ही नहीं. और ये रिफॉर्म्स जो ब्रिटिशर्स ने किए थे वर बेसिकली फॉर रनिंग एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथली, जैसे हमने आगे देखा. बट लोगों में इतना डिससेटिस्फेक्शन था एंड इट हैड रीच सच अ पॉइंट दैट पीपल वर इन अ स्टेट ऑफ रिबेलियन. तो पीपल वर ऑलरेडी इन अ स्टेट ऑफ रिबेलियन, वो विरोध करना चाहते थे, जिसकी वजह से फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ या फ्रीडम मूवमेंट ऑफ 1857 हुआ. सो ये था पूरा चैप्टर हाउ ट्रेडर्स बिकेम रूलर्स. आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया हो. थैंक यू, बाय.